खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जो घड़ी अब नजदीक आई है, दिसंबर, 1 दिसंबर से पहले लगभग ये तय हो जाएगा, मुख्यमंत्री पद या सरकार बनाने की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कल तक यहाँ मीटिंगें चल रही थी, बैठकों का दौर चल रहा था, पवार साहब के घर में कांग्रेस एनसीपी की एक मैराथन बैठक चल रही थी, लेकिन कल से मुंबई में इस प्रकार से जो एक दूसरे के साथ चर्चा करने का जो काम है, एक दिन का काम है, आने वाले 2 दिनों में सरकार बनाने के बारे में हम आगे जाएंगे। ये तस्वीरें उसी मीटिंग की है जिसमें कांग्रेस और एनसीपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। एनसीपी की ओर से खुद शरद पवार मीटिंग में मौजूद रहे, लेकिन एक साथ इतने नेताओं की जमघट के बाद भी फाइनल फैसला नहीं लिया गया। हाँ, इतना तय हो गया कि फाइनल फैसला कब लेना है। कांग्रेस की ओर से पृथ्वीराज चौहान ने बताया कि मीटिंग सकारात्मक रही। आज फिर दोनों पार्टियों के नेता अलग अलग आपस में चर्चा करेंगे, फिर मुंबई लौट जाएंगे, फिर एनसीपी से चर्चा होगी और फिर कल यानी शुक्रवार को सरकार की पूरी तस्वीर सबके सामने होगी। बिल्कुल सकारात्मक हुई, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रवादी के शीर्ष नेता थे, लेकिन हमारा संपर्क लगातार शिवसेना के दिल्ली के नेता और मुंबई के नेताओं से हो रहा था। सर, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे कहीं ना कहीं कांग्रेस और शिवसेना के, तो उसको क्या किसी तरीके से अभी सुलझाया गया, इसीलिए ये बैठक जो है इतने ऐसे लंबे समय से? देखिए, परसों आप जब देखेंगे सारे कागजात और जो अरेंजमेंट और मंत्रिमंडल देखेंगे, तो उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए कि ये हम इस चर्चा में सफल हुए या नहीं। कल शाम को जो कहा गया है उसके मुताबिक शुक्रवार को महाराष्ट्र के राजनीतिक ड्रामे का समापन हो जाना चाहिए। मीटिंग में मौजूद एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी कुछ यही बात कही। एक चुनी हुई सरकार महाराष्ट्र में आए, इसका प्रयास हो रहा है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी के नेता बैठे थे और कहीं ना कहीं पर्याय सरकार देने की दिशा में हमने चर्चा की और जल्द से जल्द महाराष्ट्र में एक पर्याय सरकार देंगे। दोनों नेताओं के बयान के बाद कम से कम ये तो लग रहा है कि कांग्रेस ने शिवसेना के साथ गठबंधन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और अब सरकार बनना तय है, बशर्ते पवार साहब फिर अपने नेताओं से उलट कोई बयान ना दे दे। बहरहाल शरद पवार के भरोसे सीएम बनने का सपना देख रही शिवसेना भी 2-4 दिनों की आस लगाए बैठी है। 3 पार्टी एक साथ आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो सरकार बनेगी। मुंबई में जाकर 3 पार्टी एक साथ चर्चा करेगी। फिलहाल तीनों पार्टियों के बीच जो सहमति बनती दिख रही है, सूत्रों के मुताबिक उसका फॉर्मूला तय हो गया है जो इस प्रकार है। एनसीपी और शिवसेना के बीच 50-50 का फॉर्मूला तय हुआ है, यानी 2.5 साल तक शिवसेना का और 2.5 साल तक एनसीपी का मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस को मिलेगा उप मुख्यमंत्री का पद, विधानसभा अध्यक्ष शिवसेना या एनसीपी के खाते में जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये भी फाइनल हुआ है कि नए गठबंधन का एक नया नाम रखा जाएगा और उसका संयोजक भी बनाया जाएगा। और अब सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने महाराष्ट्र में सरकार बनने पर अपनी मुहर लगा दी है। और कल की बैठक के बाद आज सुबह सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई है जिसमें महाराष्ट्र के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। सोनिया गांधी की तरफ से इसे हरी झंडी मिलने की खबर है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवसेना के साथ सरकार पर लगभग मुहर लग गई है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ गई है और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डिस्कस हुआ है उस पर सोनिया गांधी ने भी मुहर लगा दी है। हमारे साथ इस वक्त आदेश रावल जुड़ गए हैं। आदेश, कहा जा रहा है कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो कुछ तय हुआ है, सोनिया गांधी ने उसे हरी झंडी दे दी है और अब बहुत जल्दी सरकार बनाने का जो प्रारूप है वो भी फाइनल हो जाएगा। देखिए, कल जो बातें कांग्रेस और एनसीपी के बीच हुई थी उन सभी को आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया गांधी के सामने रखा और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने भी रखा और उसमें ये जानकारी दी गई कि ये बातें हैं, ये जो ड्राफ्ट में बातें हैं ये हमने शेयर की हैं। बेसिकली इस ड्राफ्ट में अर्थव्यवस्था और किसानों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है, जिसमें खासतौर पर यह कहा गया है कि जिन जो इलाके सूखे से प्रभावित हैं उसके ऊपर, कांग्रेस की तरफ से जो ड्राफ्ट में बातें की मैं उनका जिक्र कर रहा हूं कि जो जो इलाके सूखे से प्रभावित हैं उनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। इसके अलावा आदिवासी, यानी कुल मिला के अर्थव्यवस्था, यानी जो इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है, जो हालत खराब है, जो कांग्रेस बार बार ये कहती है, तो इकोनॉमी पर ज़्यादा फोकस ड्राफ्ट में कांग्रेस की तरफ से है और वही ड्राफ्ट अभी 15 GRG में कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेताओं के साथ उसकी चर्चा की जा रही है।
यानी कुल मिलाकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपनी तरफ से इसके ऊपर मोहर लगा दी है कि सरकार जो शिवसेना के साथ बनने जा रही है उस पर कांग्रेस राजी हो गई है, और इसीलिए आज सुबह की ये बैठक बुलाई गई थी और सोनिया गांधी ने इसके ऊपर हाँ कर दी है कि हाँ ठीक है अब आप लोग आगे इसमें बढ़ सकते हैं। शुक्रिया आपका आदेश रावल इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए किस तरीके से हरी झंडी खुद सोनिया गांधी की तरफ से, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उस पर किसी तरीके की आपत्ति कोई जताई नहीं गई है, कुल मिलाकर सहमति जता दी है सोनिया गांधी ने अपनी, और ऐसे में सहमति महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर जो बन चुकी है। और इस बीच उद्धव ठाकरे ने जो फरमान जारी किया था अपने विधायकों के लिए कि 22 नवंबर मतलब कल का दिन आप पहुंचो मातोश्री, और सिर्फ आप खुद मत पहुंचो बल्कि इस बीच बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के बाला साहेब थोराट, मुझे जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोराट उनकी तरफ से नई सरकार के गठन को लेकर एक बड़ा बयान आ रहा है, जरा सुन लीजिए क्या है वो बड़ा बयान। सर आज की बैठक में क्या माना जाए? नहीं, अभी अभी देखना है ना, आगे जाना है तो कुछ ना कुछ तो बहुत पॉइंट्स है कि जो स्क्वायर हमें स्पष्टता लानी है तो सोचेंगे हम। सर लेकिन ये माना जाए कि आज की बैठक के बाद अब किसी और बैठक की जरूरत नहीं पड़ेगी, फाइनलाइज शाम तक तो कर लेंगे एनसीपी के साथ बैठ के? ऐसा है कि बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत पॉइंट होते हैं, उस पर हमें स्पष्टता लेनी होती है। 5 साल गवर्नमेंट चलाना है तो कुछ ना कुछ तो क्लियर करना चाहिए ना, वो कर रहे हैं। सर फाइनल हो गई बात, ये मान लिया जाए? चले चले आगे जा रहे हैं, हम ठीक रास्ते से जा रहे हैं। बाला साहेब थोराट कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं और कुल मिलाकर वही बता रहे हैं कि देखिए अभी बातें आगे बढ़ रही हैं, सैद्धांतिक तौर पर तो एक तरीके से सहमति जो सभी दलों की तरफ से जता दी गई है साथ आकर सरकार बनाने को लेकर। और इस बीच जो मैं पहले आपको बता रही थी कि शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे उन्होंने कल अपने सभी विधायकों को मातोश्री पहुंचने का फरमान जारी कर दिया है, 5 दिन के बाकायदा कपड़े लत्ते लेकर, अपना आधार पहचान पत्र लेकर, और वो सिलसिला शुरू हो चुका है। औरंगाबाद से शिवसेना के विधायक अब्दुल सत्तार पहुंच गए हैं मुंबई, उनसे बात की एबीपी न्यूज संवाददाता, सुनिए जरा खास बातचीत। आप मन की शांति की बात विधायकों की कर रहे हैं, पर थोड़ा सा इस बात को क्लेरिफाई कीजिए, क्या आपके विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे ने कहा था कि आप लोगों को पिकनिक पर लेके जाएंगे और थोड़ा बहुत भी कहीं कोई चर्चा गोवा जाने की है? नहीं, गोवा मैंने पहले ही बताया कि हमारे शिवसेना प्रमुख जहां बोलेंगे जाने का वहीं हमको जाना होगा, और मुझे लगता है कि अगर हमारे विधायकों ने बोले कि हमको गोवा चलना है तो सब मिलकर गोवा जाएंगे। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सरकार का रास्ता जो है अब साफ दिख रहा है, लेकिन कल दिन भर इसको लेकर अटकलों का दौर चलता रहा है। पवार की पीएम मोदी से मुलाकात और एनसीपी की बीजेपी से नजदीकी ने कांग्रेस की चिंता बढ़ाई। कल किसानों के मुद्दे पर शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले थे, लेकिन बताया यह जा रहा है कि यह मुलाकात कांग्रेस को बिल्कुल भी रास नहीं आई है। चुनाव नतीजों के करीब एक महीने बाद भी देश का एक बड़ा राज्य सरकार के इंतजार में है, लेकिन उसी राज्य के एक कद्दावर नेता सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, नाम है शरद पवार। पिछले करीब 15 दिनों से शरद पवार खबरें बना रहे हैं और शिवसेना को घुमा भी रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर के बाद तो कांग्रेस का भी दिमाग घूम गया है। महाराष्ट्र में सरकार पर सस्पेंस के बीच शरद पवार कल पीएम मोदी से मिलने चले गए। कहा तो ये गया कि पवार राज्य के किसानों के मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री से बात करने गए हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को बातचीत की ये टाइमिंग रास नहीं आ रही। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात से कांग्रेस खफा हो गई है। कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि जो शरद पवार की प्रधानमंत्री से मुलाकात है उसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के बीच सरकार बनाने की पहल खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार कर रहे हैं, उस वक्त भरोसा बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए, ना कि भरोसा घटाने के। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को एतराज इस बात पर है कि अगर पवार को किसानों के मुद्दे पर पीएम से मिलना ही था तो वो कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को भी साथ ले जा सकते थे, लेकिन अकेले गए। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई पवार और मोदी की मुलाकात में सिर्फ किसानों पर बात हुई? महाराष्ट्र के राजनीतिक हलचल पर क्या कोई चर्चा नहीं हुई? उधर पवार और मोदी की मुलाकात से शिवसेना के भी कान खड़े हो गए। तभी तो उद्धव ठाकरे ने कल शिवसेना के सभी विधायकों को मातोश्री बुलाया है। इतना ही नहीं, विधायकों को उनके आधार कार्ड और 5 दिन तक के कपड़े लेकर आने को कहा गया है। जाहिर है शिवसेना को डर सता रहा है कि कहीं उसके विधायक न तोड़ लिए जाए, इसलिए शिवसेना धमकी के मूड में दिख रही है। हमारे साथ कोई डराने की कोशिश करेगा या हमारा एमएलए को कोई फोड़ने की कोशिश करेगा या उसको तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम शिवसेना वाले उसका सर भी फोड़ेंगे और उसकी टांग भी तोड़ेंगे।